हेलो गाइस, मैं सलमा आज आपके लिए लेके आई हूँ लाइव वीडियो। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। आज हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर लाइव में हम आपको थोड़ा सा खींचा दिखाने वाले हैं और साथ साथ में कुछ बताने वाले हैं। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं बट मैं नहीं सोचा चलो क्यों ना मैं स्पेशली आपको लाइव दिखाती हूँ कि आज आप थोड़ा सा खींचा किस टाइप का फैब्रिक होता है, किस तरह से बनता है और क्या क्या इससे बनाया जा सकता है। देखिए गाइस, आज हम आपको दिखा रहे हैं प्योर तसर खींचा। ये हमारा कोरा फैब्रिक है। अब इसकी क्वालिटी हम आपको दिखाते हैं। आप इस पहले हम बता देते हैं इसकी विड्थ कितनी होती है। जो हमारी जो फैब्रिक की विड्थ होती है वो 45 होती है। जो भी हैंडलूम फैब्रिक्स होते हैं ना, जो साड़ीज़ होती हैं, उनकी जो विड्थ होती है वो 45 होती है। ये एक रोल होता है। ये 30 मीटर से 32 मीटर 35 मीटर तक का रोल चला जाता है। ये हैंडलूम है, प्योर तसर खींचा है और इसकी जो क्वालिटी है वो तसर खींचा की एक नंबर की क्वालिटी है, जिसे कहते हैं ना प्योर क्वालिटी। आप देख सकते हैं कि ये हमारा कोरा है, विदाउट फिनिशिंग के है। कोरा इन द सेंस कि हमारा बिना फिनिशिंग के है और उसके अंदर जो फैब्रिक है आप देख सकते हैं इसमें बिना फिनिशिंग के गैपिंग नहीं है। तो सोचिए जब इसके अंदर फिनिशिंग कराएंगे हम, जब इसमें शाइनिंग आएगी तो इसके अंदर और शाइनिंग और इसकी जो गैपिंग है वो बिल्कुल भर जाएगी। देखिए गाइस कितना अच्छा फैब्रिक है ये। ये हमारा तसर खींचा का है। इसकी जो विड्थ होती है वो 45 इंचेस होती है। इसमें से हम जो तसर खींचा की साड़ीज़ होती है प्लेन विदाउट बॉर्डर, इसमें से हम साड़ीज़ निकाल सकते हैं। इजी वे में बनती हैं इसकी साड़ीज़, बहुत अच्छी क्वालिटी की साड़ीज़ उतरती हैं इसकी। अगर इसमें हम हैंड ब्रश पेंटिंग करते हैं मधुबनी तो वो भी बहुत अच्छा उभर के आता है। बहुत मतलब फैब्रिक बहुत अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। और इसके अंदर मतलब कि हम फैब्रिक सूट पीसेस ये सब हम इस स्थान से निकालते हैं। ये फैब्रिक जो होती है वो बहुत अच्छे से मतलब कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट में यूज़ की जाती है। जैसे कि आप इसको कुर्ताज़ बना सकते हैं, लेडीज़ सूट बना सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे मतलब ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइव में ज्वाइन हो जाइए जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशली मेरी फर्स्ट ही वीडियो लाइव, तो मैंने कोशिश करा चलो मैं आपको लाइव ही दिखा देती हूँ कि किस तरह से होती है। और पता भी चलता है कि मेरे जो हमारे सब्सक्राइबर इतने प्यार करते हैं वो मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। जल्दी जल्दी आप ज्वाइन हो जाइए। अभी तक तो मेरे साथ 3 ही जने जुड़े हुए हैं तो कृपया करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी तसर खींचा की फैब्रिक है, हैंडलूम है। फिर मैं रिपीट करती हूँ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है, ये अभी कोरा है मतलब विदाउट फिनिशिंग है। तब इसके अंदर जो गैपिंग का इश्यूज़ बोलते हैं, सब मुझे बोल रहे थे कि बहुत सस्ती आती है ये आती है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये जो फैब्रिक होती है इसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं। आप मेरी लाइव वीडियो में देख रहे हैं कि मैं आपको जो क्वालिटी दिखा रही हूँ वो मेरी बिना गैपिंग की है। सपोज डैट अगर मैं इसमें रेट आपको कम चाहिए तो धागा कम लगेगा तो गैपिंग ज़्यादा हो जाएगी। उसमें क्या होता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, गैपिंग के इशू आता है। आप ऑब्वियसली जब किसी चीज़ में हम धागा कुछ चीज़ ज़्यादा डालते हैं तो उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा जाती है और उसकी जो मजबूती होती है वो भी बहुत अच्छे से बनती है। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल गैपिंग नहीं है। ये फिनिशिंग होगा आफ्टर फिनिशिंग तो ये और भी ज़्यादा मजबूत और शाइनिंग वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा मैंने बताया आपको 30 से प्लस होता है, जैसे 30 से 35 हुआ, 32 हुआ, 31 हुआ, ये हैंडलूम प्रोडक्ट रहता है, ये थान का रहता है। बहुत से बोलते हैं कि हमें 1 मीटर चाहिए 2 मीटर, आप सोच सकते हैं कि मुझे पूरा थान कट करना होता है तो बाकी का फिर इश्यूज़ हो जाते हैं, बट हम फिर भी प्रोवाइड करते हैं। अगर सूट पीसेस लेते हैं तो हम इसी फैब्रिक को यूज़ करते हैं सूट पीसेस के लिए, साड़ीज़ के लिए। बहुत अच्छी क्वालिटी उभर के आती है जब हम इसमें साड़ी बनाते हैं मधुबनी। ये देखिए अब बात करते हैं, देखिए तसर खींचा में, तसर खींचा के सब बोलते हैं कि ज़्यादा ब्लैक है, ब्लैक लाइनिंग नहीं चाहिए, ये नहीं। तो मैं आपको बता दूँ जब तक तसर खींचा के अंदर ये निप्स नहीं होंगे तो उसकी पहचान नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि कुकुन से धागा बनता है। जब कुकुन से तसर खींचा बनता है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कभी बड़ा धागा होता है, छोटा होता है, ब्लैक होता है, वो कुकुन को खींच खींच के वो धागा बनाया जाता है। तो ये देख सकते हैं इसमें ब्लैक लाइनिंग होती है, जो सिल्क की खूबसूरती होती है तसर खींचा की। आप देख सकते हैं कि उसमें यही इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें ब्लैक लाइनिंग हल्की हल्की होना चाहिए, तभी उसकी खूबसूरती भी भर के आती है, उसकी प्योरिटी का भी पता चलता है। ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आप सोच सकते हैं कि अभी ये मैं आपको कोरा दिखा रही हूँ, अगर फिनिशिंग करके देती हूँ तो मेरी क्वालिटी के साथ हमेशा इसलिए बोलती हूँ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, आपको बेस्ट क्वालिटी ही प्रोवाइड कर रहे हैं। देख सकते हैं आपको लाइव अभी राइट नाउ मेरे स्टॉक में है, अभी उतर के जस्ट आया है, अभी और भी आएगा। अगर आपको क्वेरी होती है फैब्रिक परचेस करने है, कुर्तीज़ बनाने के लिए, ये स्टिचिंग कराना है, कोई भी ड्रेस वगैरह इसके अंदर, तो आप आराम से करा सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत फाइन क्वालिटी होती है। ये तो हमारी तसर खींचा थी। चलो मैं एक छोटा सा सैंपल आपको देसी तसर का भी दिखा देती हूँ और थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तो मैं भी लाइव नहीं हो सकती और आपको ज़्यादा देर बोर भी नहीं कर सकती। फिर भी मैं कोशिश करूँगी जो मिस करें, मगर इस बार अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाएँ तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा जल्द से जल्द। ये देखिए गाइस ये है हमारा देसी तसर। आप बोलते हैं कि फ़र्क क्या होता है, आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको लाइव ही इसको सैम्पल दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस ये हमारा आ जाता है तसर खींचा, जिसका थ्रेड थोड़ा सा मोटा होता है, और ये हमारी देसी तसर है जिसका जो थ्रेड होता है वो पतला होता है। आप देख सकते हैं
ये आ जाती है हमारी लाइट वेटेड फैब्रिक होती है देसी तसर। इसकी बिनावट आप देख सकते हैं, मेरी कोई सी भी फैब्रिक में आपको गैपिंग नहीं मिलेगा। गुड क्वालिटी का फैब्रिक हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप हमसे दुपट्टा लें, चाहे हम साड़ी लें, या फिर आप हमसे फैब्रिक लें, कुछ भी लेना चाहेंगे आपको प्योर 100% प्योर मिलेगा और साथ साथ में आपको गुड क्वालिटी का भी मिलेगा। मेरी कोई सी भी फैब्रिक में आपको शिकायत नहीं आएगा गैपिंग का। तो मैंने ये जो वीडियो मेरा लाइव आने का मोटिव यही था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्वालिटी किस तरह की होती है। प्राइस के ऊपर जाइएगा गाइस, तो मैंने आपको बताया जितना हम मजबूत जितना ज़्यादा चीज़ यूज़ करते हैं उसका प्राइस तो बढ़ेगा ही, बट क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर हम इसमें कम धागा यूज़ करते हैं तो उसमें गैपिंग आ जाती है और गैपिंग के थ्रू आपको पता है कि वो उसका कॉस्टिंग तो जाएगा कम, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जो कि इशूज़ काफ़ी सारे इशूज़ आने लगते हैं। तो हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी देसी तसर का फैब्रिक है, बहुत मजबूत है, कोई गैपिंग नहीं है। आप हमारा लाइफ आपके सामने पड़ा हुआ है, हमारा तसर खींचा का फैब्रिक है, ये थान है, ये रोल्स हैं, देख सकते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। शाइनिंग इसकी जो भी है ये नेचुरल शाइनिंग है, आफ्टर फिनिशिंग इसमें और अच्छे से शाइनिंग आएगी और इसमें ग्लो आने वाला है और देख सकते हैं कि कितना अच्छे होने वाला है। ये बिना फिनिशिंग के इतना थिक देख रहे हैं आप, देख सकते हैं इसका जो प्रोसेस है अभी बहुत बाकी है, इसमें अभी बहुत सारा प्रोसेस होगा, ये फिनिशिंग होगा, कलेंडर होगा, फिर जाके इसकी जो और जो शाइनिंग और मजबूती है वो और भी पक्की हो जाएगी। तो ये हमारा लाइव वीडियो के अंदर मोटिव था कि हम आपको फैब्रिक दिखा सकें, समझा सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दिया करें जे सेल पे, तो हम लाइव आपके लिए बहुत सारे अब प्रोडक्ट लेके आएंगे जो लाइव ही आपको दिखा सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कमेंट है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आप इसे परचेसिंग कैसे कर सकते हैं तो उसका भी सिंपल सा प्रोसेस है, हमारे लाइव में आप कमेंट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारे चैनल है वहाँ पे जाके आप कमेंट करके बोल सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है कि आपको किस पे आने वाला वीडियो चाहिए, किसकी आप क्वालिटी देखना चाहते हैं, किस चीज़ की आपको नॉलेज चाहिए, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और साथ में मैं कोशिश करूँगी कि लाइव ही मैं आपको दिखा सकूँ और बता सकूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया तसर खींचा की क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत थिक क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, जितना चाहे आप मीटर फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि आपको इतना ही चाहिए या इतना कम चाहिए, इतना ज़्यादा चाहिए, जितना मर्जी चाहिए आपको, 100 मीटर चाहिए, 1000 मीटर चाहिए, 500 मीटर चाहिए, आपको 30 मीटर का रोल चाहिए, 30 मीटर जो भी स्टार्टिंग होती है। एक बात है, जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे 30 मीटर से ही होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी भी पार्टिकुलर 30 मीटर का रोल नहीं होता, वो 32 भी जाता है, 31 भी जाता है और 35 भी जाता है। ये रोल्स आपको आराम से मिल जाएंगे और ये हैंडलूम प्रोडक्ट रहता है, ये प्योर तसर खींचा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका क्वालिटी, आप किस तरह की क्वालिटी है। ये नेचुरल कलर है, ये बहुत अच्छा कलर है और ये बहुत अच्छी फैब्रिक है। ये जो बोलते हैं ना अगर ब्लैकिश की देखो, उसकी खूबसूरती ही बहुत अच्छी होती है। अगर तसर खींचा में ये ब्लैक निप्स ना हो तो ये क्वालिटी थोड़ा सा हल्का हो जाता है। ये बहुत अच्छी गोटी जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे धागे का फैब्रिक बनाया गया है, ये प्योर है 100%। आपकी मैंने इसको लाइफ आपको उसमें जो थिकनेस है वो भी मैंने आपको उसमें दिखाया है। तो मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं आपको अच्छे प्रोडक्ट दे सकूँ और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे सकूँ। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी गैपिंग नहीं है। इसी साड़ी, इसी जो फैब्रिक होती है 45 विथ का जो फैब्रिक होता है, इसी को ही हम कटिंग करते हैं 6.5 मीटर, जिसका हम इसमें ब्लाउज के साथ साड़ी निकालते हैं। इसमें हैंड ब्रश पेंटिंग की जाती है, तो आपने मेरी हैंड ब्रश पेंटिंग वाली साड़ी भी देखी होंगी, उनकी क्वालिटी भी देखा होगा। तो इसी के अंदर से ही हम आपको फैब्रिक भी दे सकते हैं और टॉप फैब्रिक जो मधुबनी पूरा सेट होता है वो भी मिल जाएगा। जो हमारे दुपट्टे होते हैं उनकी थोड़ी सी भी अलग होती है, वो हमें अलग से बनाने पड़ते हैं, पर साड़ीज और सूट हम इसमें आराम से बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी फैब्रिक होती है, हैंडलूम फैब्रिक है और ये सबसे अच्छा है कि ये मधुबनी के लिए बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वालिटी, मेन बात आती है क्वालिटी को लेके, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और प्राइस भी आपको हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग वाला प्राइस मिलेगा, आपको कोई भी 1000 मीटर, 1500 मीटर, 1000 रुपये मीटर ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत रीजनेबल प्राइस में ये फैब्रिक मिलने वाली है। बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में ये फैब्रिक मिलेगा। अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, ये भी बहुत स्टॉक में है। अभी राइट नाउ मैं आपको दिखा रही हूँ जितना भी है सब स्टॉक का भी स्टॉक में है, आप जल्द से जल्द बुकिंग करें। इसका जो भी क्वेरी आती है तो क्वेरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी राइट नाउ कम से कम ये 100 मीटर अवेलेबल है। तो अगर बुकिंग लेना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ बुकिंग के लिए कमेंट कर लीजिएगा और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं मौजूद होंगी आपके साथ एक नई लाइफ के अंदर, तो प्लीज़ इस बार मिस मत कीजिएगा। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं आपने मिस कर दिया, मगर नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ जल्द से जल्द ज्वाइन होते रहिएगा और जो भी रिप्लाई है मैं आपको ज़रूर देने वाली हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन क्वेरी होती है तो कमेंट में, और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको पता ही है, अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अभी से फिर मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर मौजूद हूँ एक नए टॉपिक के साथ, मैं आपके साथ लाइव आऊँगी। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि लाइव में आपको कौन सा प्रोडक्ट देखना है नेक्स्ट टाइम के लिए।